हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज बहुत इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का महामैराथन क्लास लेकर आई हूँ। 100 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है। ये किसका कोटेशन रहा है? मैथिली शरद गुप्त। औजारों पर पॉलिश चढ़ाना किस काल में प्रारंभ हुआ था? नियोलिथिक एज मीन्स नवपाषाण काल। अगर नवपाषाण काल ऑप्शन में नहीं मिला तो आपको मिलेगा नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। अगर नियोलिथिक एज भी ऑप्शन में नहीं हुआ तो होगा चार्सोलिथिक एज, चार्सोलिथिक एज। देखिए, पहले पूर्व पाषाण काल जिसका टाइम था 50,000 से लेकर के 25,000 तक का, और यहाँ पर आग की खोज हुई थी, और मानव को कहा जाता था, मानव को क्वार्टाइज कहा जाता था, क्वार्टाइज। आग की खोज हुई, मानव को क्वार्टाइज कहा गया। पूर्व पाषाण काल नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक एज कहते हैं। एग्जैक्ट टाइम है 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का। यहाँ पर क्या हुआ, किस चीज़ की खोज हुई? तो यहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स की खोज हुई, माइक्रोलिथिक टूल्स की खोज हुई थी। थर्ड है आपका नवपाषाण काल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नियोलिथिक एज या चार्सोलिथिक एज, जिसका टाइम है 10,000 से लेकर के 3,000 या 5,000 के टाइम ड्यूरेशन में। अभी तक पूर्व और मध्य पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी और शार्प टूल्स बनने लगे। मध्य पाषाण काल में इवन नौ का पाषाण काल में जितनी भी चीज़ें मिलेंगी आपको, उनको सबको औजारों पे पॉलिश चढ़ाना, बस्तियाँ बसाना, खेती करना, ये सारा कुछ नवपाषाण काल का ही एक रिफ्लेक्शन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सर्वप्रथम, फर्स्टली, फर्स्ट टाइम क्या, कौन सा धातु यूज किए थे? तांबा यूज किए थे। तांबा का प्रयोग किया गया है सर्वप्रथम। उसके बाद आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसमें किसकी खोज हुई है? तो यहाँ पर हुई है कांसे की, कांसा तांबा, ठीक है। और आ जाता है नेक्स्ट वैदिक एज। वैदिक एज में किसकी खोज हुई? वैदिक एज में आयरन की खोज हुई। आयरन मीन्स लोहा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोनों भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। एटीन एटी थ्री में जनरल ऑफ एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध पत्र किसने प्रकाशित किया? शोध पत्र किसने प्रकाशित किया था 1883 में? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मिर्जापुर में 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने गुफा की खोज की थी। उसके बाद 3 साल के बाद जॉन कॉकबर्न ने 1883 ईस्वी में घोड़मंगर से गेंडे के आखेट का दृश्य, गेंडे के आखेट के दृश्य को अपने लेख में प्रकाशित किया। अभी तक सिर्फ गुफा की खोज हुई थी, इन्होंने लेख प्रकाशित किया था, घोड़मंगर से गेंडे के आखेट का लेख जॉन कॉकबर्न ने। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हैं जगदीश गुप्त। बहुत फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग 1958 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग की बात हो रही है तो बाडरिक है, और अगर यहाँ पर प्रीहिस्टोरिक इंडिया दे देता तो उसके लेखक कौन हो जाते? प्रीहिस्टोरिक इंडिया बहुत फेमस रही है स्टुआ पिकार्ड की, दोनों इंपॉर्टेंट बुक हैं। प्रागैतिहासिक काल के सर्वाधिक चित्र भारत के किस प्रदेश से प्राप्त हुए? सबसे ज्यादा जो पेंटिंग्स मिली है वो एमपी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं।
1910 ईस्वी में सिंघनपुर की खोज किसने की? देखिए 1910 टाइम ड्यूरेशन पूछा जा रहा है कि 1910 में किसने की? डब्ल्यू एडर्सन ने की। अगर यही पे पूछा जाता कि 1913 में किसने खोज की थी सिंघनपुर की? अमरनाथ दत्त ने। और 1917 में पर्सी ब्राउन ने। ये तीनों ने सिंघनपुर की खोज की है। तीनों डेट याद रखिएगा। पंचमढ़ी गुफा की खोज 1932 ईस्वी में किसने की? पंचमढ़ी गुफा की खोज, पंचमढ़ी महादेव पर्वत श्रृंखला पर जो स्थित रहा है मध्य प्रदेश में, 1932 में खोज किए थे हंटर ने गुफा की। और 1936 में यहाँ पर गार्डन ने चित्रों की खोज की, चित्रों की। सांभर के आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सांभर के आखेट का दृश्य इमली खो से। और इमली खो किसका उपकेंद्र, किसका पार्ट रहा है? पंचमढ़ी का, पंचमढ़ी का पार्ट रहा है। प्रागैतिहासिक काल का स्थल होशंगाबाद किस राज्य के अंतर्गत आता है? होशंगाबाद, होशंगाबाद आता है मध्य प्रदेश के अंदर अंतर्गत। होशंगाबाद की खोज हुई थी 1922 ईस्वी में। और किसने किया खोज? मनोरंजन घोष ने। मनो रंजन घोष ने खोज किए होशंगाबाद के। जिराफ समूह तथा चार धनुर्धारी नामक चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ है? बहुत फेमस पेंटिंग है ये दोनों, जिराफ समूह और धनुर्धारी के चित्र आपको देखने को मिल जाएगा होशंगाबाद में। प्रागैतिहासिक काल का महत्वपूर्ण स्थल पहाड़गढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है की खोज किसने की? पहाड़गढ़ की खोज किए थे डीपी द्वारिकेश। और पहाड़गढ़ है कहाँ पर? तो आसान नदी के किनारे। नदी कौन सी है? तो आसान नदी, नदी याद रखिएगा, आसान नदी के किनारे पहाड़गढ़ की खोज डीपी द्वारिकेश ने की। भीमबेटका को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? भीमबेटका बहुत फेमस है, भीमबेटका 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया, मीन्स यूनेस्को में। और इसकी खोज हुई थी 1958, ये 59 कहीं पे लिखा मिल जाता है, 57-58 के टाइम ड्यूरेशन में। कहीं पर आपको 1957 दिख जाएगा, कहीं पर 58। इस टाइम ड्यूरेशन में खोज किए थे वी एस वाकड़कर। वी एस वाकड़कर कौन थे? तो ये वी एस वाकड़कर उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। वी एस वाकड़कर ने भीमबेटका गुफा की खोज की और विश्व धरोहर में 2003 में इसे सम्मिलित किया गया, शामिल किया गया। हाथ के छाप के चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हाथ के छाप के जो पेंटिंग्स मिली है शोरो घाट से। मिर्जापुर की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला पर्वतमाला पर स्थित है? विंध्य कैमूर पर्वतमाला पर स्थित है। 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने मिर्जापुर की गुफा की खोज की और 1883 उसके 3 साल बाद जॉन कॉकबर्न ने खोज के साथ लेख प्रस्तुत किए, घोड़मंगर से गैंडे के आखेट का लेख। लुखनिया किस नदी के किनारे स्थित है? लुखनिया गरई नदी के किनारे स्थित है। और ये किसका पार्ट रहा है लुखनिया? मिर्जापुर का, मिर्जापुर, मिर्जापुर। अब मिर्जापुर क्यों फेमस रहा है? तो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक खोज जो हुए हैं मिर्जापुर में ही हुए हैं सर्वप्रथम। प्रागैतिहासिक स्थल चक्रधरपुर किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है? चक्रधरपुर बहुत फेमस रहा है, बिहार राज्य में पड़ता है। और क्यों फेमस रहा है? तो ये प्रागैतिहासिक काल का बिहार का एक राज्य है और यहाँ पर मनुष्य को लेटे हुए चित्रित दिखाया गया है। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा था? प्रमुख विषय था आखेट, दैट मीन्स हंटिंग सीन। हंटिंग सीन के लिए फेमस रहा था प्रागैतिहासिक कालीन चित्र।
प्रागैतिहासिक काल में प्रयुक्त रंग है, कौन से रंग का यूज किया जाता है प्रागैतिहासिक काल में? ऑफ कोर्स खनिज रंगों का कलर्स यूज किया जाएगा, जो भूमिज रंग जो जमीन से मिलते हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। कब किए थे? 1922, 1922 ईस्वी में। कहाँ पर है मोहनजोदड़ो? तो लरकाना जिला पाकिस्तान में है, लरकाना जिला पाकिस्तान में है प्रेजेंट टाइम। सिंधु घाटी सभ्यता किस कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध रही है अपने आर्किटेक्चर के लिए, स्थापत्य कला के लिए, स्थापत्य के लिए। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल पूछा जा रहा है, तो वो है अन्नागार। अन्नागार क्या है? तो बेसिकली स्विमिंग पूल टाइप है, जिसका साइज है इस तरह से, एज्यूम कर लें, ये आप इस तरह से देखेंगे ऐसे है, और साइज बताती हूँ। देखिए ये ओवरव्यू से देखने पे इस तरह दिखेगा, और ये इस तरह का है स्विमिंग पूल टाइप, इसका एग्जैक्ट साइज है 39, 39 इंटू 23 इंटू 8। सफेद चूना पत्थर से निर्मित एक पुजारी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? पुजारी की प्रतिमा प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से, और बनाई किस में गई है? तो व्हाइट लाइमस्टोन, सफेद चूना पत्थर से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इमारत की बात हो रही है मिस बिल्डिंग की, तो सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। गार्डन के अनुसार मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा पर किस देश का प्रभाव था? किस देश का प्रभाव था? इवन किसके अकॉर्डिंग? गार्डन के अकॉर्डिंग। सो राइट आंसर इज ए, सुमेर, सुमेरियन प्रभाव रहा है। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। वैदिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, वैदिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है चित्रित धूसर मृदभांड, मीन्स पॉटरी। और हाँ, यहाँ पे वैदिक काल में पॉटरी के लिए फेमस रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में मिलता है? कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में, और कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग कहाँ मिला है? यथार्थवादी प्रयोग, यथार्थवादी प्रयोग मिला है भरत मुनि की ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में यथार्थवादी प्रयोग मिला है कला शब्द का, और सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। चित्रलक्षण नामक ग्रंथ किसने लिखा? चित्रलक्षण ग्रंथ है भयजीत की। जयमंगला नामक पुस्तक में पंडित यशोधरा ने चित्रकला के कितने अंग बताए हैं? पंडित यशोधरा की जयमंगला पुस्तक बहुत फेमस रही है, उसमें टोटल 6 लिम्स ऑफ साडांग के बारे में बताया गया है, टोटल 6 हैं। वो 6 कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी। पहले नंबर पर रूपा भेदा, अपेयरेंस ऑफ नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल आप कोई रूप का क्रिएशन कर रहे हैं। सेकेंड है प्रमाणा, दैट मीन्स मेजरमेंट। थर्ड है भावा, इट मीन्स एक्सप्रेशन, जो आप पेंटिंग बना रहे हैं वो एज इट इज भाव रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं। लावण्य योजना, दैट मीन्स ग्रेसफुल ब्यूटी अट्रैक्शन, पेंटिंग में कितना आप बना रहे हैं तो कितने अच्छे से पियोनीर ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज सादृश्यम, दैट मीन्स सिमिलैरिटी, समानता, जो हमने सामने से पेंटिंग बनाकर कैप्चर कर रहे हैं कोई लैंडस्केप, तो एज इट इज बन रहा है कि नहीं, समानता है कि नहीं, सामने ऑब्जेक्ट से मैच कर रहा है कि नहीं, उसे बोलते हैं सिमिलैरिटी, समानता। एंड द लास्ट वन इज वर्णिका भंग, ए पैलेट ऑफ कलर स्कीम, एज लाइक दैट कि हम पेंटिंग जो बना रहे हैं उसमें एज इट इज कलर यूज किया जा रहा है कि नहीं। ये 6 लिम्स ऑफ शाडांग है पेंटिंग बनाने का एक रूल। टेराकोटा के लिए मिट्टी में मिश्रित किया जाता है, मिट्टी में बालू मिलाया जाता है। बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष में किया जाता है? बिनाले प्रदर्शनी 2 ईयर, 2 साल में। फ्यूचरिज्म का उद्गम किस देश से हुआ? फ्यूचरिज्म
फ्यूचरिज्म का स्टार्टिंग जो रहा है ये एक आर्ट मोमेंट था, फ्यूचरिज्म जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यवाद। भविष्यवाद किस देश से रहा था? इटली से। इटली से, ठीक है। नेक्स्ट है, हितोपदेश के लेखक कौन थे? कौन है हितोपदेश के लेखक? हैं रजा धवल चंद। ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है, ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है निजामाबाद। निजामाबाद ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है, और अगर ब्लू पॉटरी पूछा जाए तो ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर फेमस है। जयपुर प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ स्थित है? टेराकोटा मंदिर स्थित है विष्णुपुर में। शिल्पकार करने तथा उसे प्रदर्शित करने के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को कहते हैं, क्या कहते हैं? सलून कहते हैं, सलून। मनोविज्ञान के आधार पर कला के कितने भेद हैं? मनोविज्ञान के आधार पर कला के तीन भेद हैं। घनवाद कितने प्रकार का होता है? क्यूबिज्म, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक है संश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, और दूसरा है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक दो प्रकार के घनवाद होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड घनवाद। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिज्म। क्यूबिज्म, क्यूबिज्म स्टार्ट हुआ था 1907 से लेकर के 1925 तक चला। यहाँ के जन्मदाता फाउंडर कहे जाते हैं, फादर ऑफ क्यूबिज्म, या घनवाद के जन्मदाता पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो। यायते चित्र श्रृंखला का सृजन किया? यायते सीरीज बहुत फेमस रही है, म्यूरल है ए रामाचंद्रम की। कहाँ पर बनाई गई है? दिल्ली में। केस कुलकर्णी का संबंध किस शहर से था? जिन्होंने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की थी दिल्ली में, उनका संबंध रहा था बीएचयू बनारस से। बनारस से क्या संबंध रहा है? तो बीएचयू में डीन थे। बीएचयू में क्या थे? डीन थे। ठीक। होयसल शासकों द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध चैत्र केशव का मंदिर कहाँ स्थित है? बेलूर में स्थित है। द वन ऑफ द मून भित्ति चित्र बहुत फेमस फ्रेस्को पेंटिंग है जॉन मीरो की। और ये जॉन मीरो बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो सरलिज्म आर्ट मूवमेंट से। सरलिज्म आर्ट मूवमेंट के मेंबर रहे हैं, जिसे बोलते हैं अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। पूछा जाए कि कहाँ शुरू हुआ, तो ये कला आंदोलन फ्रांस में चला। एग्जैक्ट टाइम जो एक्सप्लोर हुआ है 1924 से लेकर के 1945 तक का। 1945 तक का यहाँ के कवि थे, कवि आंद्रे ब्रेतो थे। कवि पूछा जाता है कौन थे, तो आंद्रे ब्रेतो, या फिर ब्रिटेन कहीं पे लिखा होता है आंद्रे ब्रेतो। ब्रेतो कवि थे, ठीक है। और किससे ये आर्ट मूवमेंट एक्सप्लोर हुआ था? तो सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड बहुत फेमस सौंदर्य शास्त्री हैं, आर्ट फिलोसफर। उनके थॉट्स से एक्सप्लोर हुआ था ये आर्ट मूवमेंट, सरलिज्म। मुंबई का सबसे प्राचीन कला विद्यालय? मुंबई का पूछा जा रहा है तो सबसे प्राचीन ऑफकोर्स जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स ही होगा, है ना। टाइम ड्यूरेशन क्या था? तो देखिए 1850 में मद्रास कला विद्यालय, 1854 में कोलकाता, फिर 1857 में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स। विकास के आधार पर कला को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है? विकास के आधार पर तीन भागों में। टॉलकम पाउडर का यूज, टॉलकम पाउडर का यूज करते हैं लिथोग्राफी में। लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? सर सेनेफेल्डर ने। सर सेनेफेल्डर, सर सेनेफेल्डर ने लिथोग्राफी की खोज की, कब किए थे? टाइम, एग्जैक्ट टाइम रहा है 1798।
नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, किसके स्टूडेंट रहे हैं नंदलाल बोस? नंदलाल बोस अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे, अवनीनाथ टैगोर के प्रिय शिष्यों में इंक्लूडेड होते हैं नंदलाल बोस। कला एक अभिव्यक्ति है, ये कोटेशन किसका रहा है? कला एक अभिव्यक्ति है जॉन रस्कीन का। राम किंकर बैच कौन थे? ही वॉज ए फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट, एक मूर्तिकार थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम कहाँ उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है सर्वप्रथम इजिप्ट मिस्र में 35 सेंचुरी BC। उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित थे। किरणवाद से कौन संबंधित रहे? लॉरियानो मिखाइल, ये लोग किरणवाद से संबंधित रहे थे। किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है? कला सत्य का प्रतिबिंब है, ये कोटेशन रहा था प्लेटो का। आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, प्लेटो का कोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया? लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण आशफ उद्दौला ने कराया, आशफ उद्दौला। किस सिटी को पवित्र हंसों का शहर कहा जाता है? पवित्र हंसों का शहर कहा जाता है त्रिवेंद्रम को। शौर मंदिर कहाँ है? शौर मंदिर बहुत फेमस रहा है महाबलीपुरम का। लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है, लिथोग्राफी पोस्टर के लिए कौन प्रसिद्ध रहे हैं? जूल्स चैरेट, जूल्स चैरेट। कांच की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? कांच की चित्रकारी के लिए बहुत फेमस रहा है तंजौर तमिलनाडु। हिनेवा टेराकोटा किस देश से संबंध है? हिनेवा जापान, पाकिस्तान, भारत या अफगानिस्तान? जापानीज टेराकोटा है हिनेवा। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सजावट किस कलाकार ने की थी? आर्टिस्ट नंदलाल बोस ने। वैन गॉग किस देश से संबंधित है? वैन गॉग बहुत फेमस आर्टिस्ट है, उत्तर प्रभाववादी कलाकार, उत्तर प्रभाववादी कलाकार मीन्स पोस्ट इंप्रेशनिज्म आर्टिस्ट मेंबर रहे हैं। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? हॉलैंड, नीदरलैंड, डच, जो स्पेस है जगह का नाम वहां से बिलोंग करते हैं वैन गॉग। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी 1915, 1915 में। प्रसिद्ध कृति सड़क बनाने वाले, बहुत फेमस है सड़क बनाने वाले, ऑल दो ये किसकी कृति है ये भी बताइए। सड़क बनाने वाले इन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाया था, किसने? देवी, देवी प्रसाद रॉय चौधरी। देवी प्रसाद रॉय चौधरी की बहुत फेमस है सड़क बनाने वाले, द रोड मेकर्स इंग्लिश में कहते हैं। लिबिडो थ्योरी किसने किसके द्वारा दी गई थी? लिबिडो थ्योरी या फिर अनकॉन्सियस और सबकॉन्सियस माइंड, अनकॉन्सियस और सबकॉन्सियस माइंड की थ्योरी किसने दी? ये थ्योरी दिए थे आर्टिस्ट, सॉरी आर्टिस्ट नहीं, फिलोसफर है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के मनोविज्ञान से ये सरलिज्म आर्ट मूवमेंट भी एक्सप्लोर हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बर्नड साइना रंग दिखता है, ऑल दो ये कलर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। बर्नड साइना कौन से कलर्स होते हैं? तो देखिए बर्नड साइना जो कलर्स होते हैं, चॉकलेटी कलर आपने दिखा है, चॉकलेट देखा है ना, चॉकलेट वाला कलर्स बर्नड साइना होता है। तो ये किसके श्रेणी में आ जाएगा? पीले में हो ही नहीं सकता, नीले में हो ही नहीं सकता, हरे में हो ही नहीं सकता, तो रेडिश के टोन में हो जाएगा, है ना? तो रेडिश करेक्ट हो गया। 1947 काशी शैली नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? काशी शैली की बात हो रही है तो नाम से ही पता चल रहा है काशी शैली, ये समीक्षावादी कलाकार कौन रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल, तो काशी शैली से बिलोंग करते थे रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने स्थापना की। कैनवस पर चित्र भूमि को गेरुए रंग से पोतकर उसके ऊपर चित्र बनाना कहलाता है। सरफेस को आप
गेरू रंग से जब कलर कर देंगे तो उस पेंटिंग को बोलेंगे बोलस ग्राउंड, बोलस ग्राउंड। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पहाड़ी पर, वहां पे एक शीर्ष पर स्थित है, क्या स्थित है? स्तूप, शिव मंदिर या फिर जैन मंदिर या सूर्य मंदिर? आप लोगों को अच्छे से पता है कि रायसेन जिले में क्या है, सांची है, सांची का स्तूप है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। और सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? रायसेन जिला में सर रायलेट ने, सर रायलेट ने, सर रायलेट ने खोज की सांची की, सांची के स्तूप की। बाघ गुफाएं कहाँ हैं? एक्चुअल प्लेस बताना है कि बाघ गुफाएं कहाँ हैं। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, धार जिले में स्थित है। बाघ की खोज, जो बाघ की गुफाएं 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने खोज की थी, डेंजर फील्ड ने खोज की थी बाघ की गुफा की। और टोटल कितनी गुफाएं हैं यहाँ पर? तो टोटल 9, 9 केव्स हैं। और सारी केव का अलग अलग नेम है, जैसे ग्रीक गुफा, पांच पांडव, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला। उसके बाद जो 7, 8 और 9 केव नंबर है, उसका नामकरण नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज वो प्रॉपर तरीके से बंद है। 1929 ईस्वी में बाघ की गुफा की जब सफाई हो रही थी पुरातत्विक विभाग के थ्रू, तो गुफा नंबर 2 से सुबंधु का ताम्रपत्र मिला था। याद रखिएगा, 1929 ईस्वी में जब सफाई हो रही थी तो गुफा नंबर 2 से सुबंधु का ताम्रपत्र मिला बाघ की गुफा से। अपनी पेंटिंग में बिंदी का प्रयोग किस कलाकार ने किया? काफी बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। बिंदी का प्रयोग भारती खेर करती हैं अपनी पेंटिंग्स में। फॉर एग्जाम्पल, इनकी पेंटिंग देखिएगा, इस तरह की इनकी पेंटिंग होती है, उसमें इस तरह बिंदी का यूज किया जाता है। कलर्सफुल बिंदी, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक मोमेंटेबल एरिया को कवर करके छोटे छोटे, बड़े बड़े, हर तरीके के बिंदी को पेस्ट की हैं भारती खेर। और हाँ, भारती खेर तो बिंदी के लिए फेमस हो गई, इन्होंने अपनी पेंटिंग में बिंदी का यूज किया। अब बिंदुवादी कलाकार कौन है भारत के? बिंदुवादी कलाकार, बिंदुवादी कलाकार है बेंद्रे, बेंद्रे भारत के बिंदुवादी कलाकार है। और यूरोप में स्यूरेट, जॉर्ज स्यूरेट बिंदुवादी कलाकार कहे जाते हैं, पॉइंटलिज्म आर्टिस्ट। अगर पूछा जाए कि बिंदु पेंटिंग किसकी है, बिंदु पेंटिंग किसकी है, तो बिंदु पेंटिंग है एस एच रजा की, एस एच रजा जो प्रैग ग्रुप के मेंबर रहे हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में आई हुई भी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। 1957 54 में इसकी स्थापना हुई, 1954 में। एनएस बेंद्रे के शिष्य कौन नहीं थे? देखिए, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं। के एस कुलकर्णी, जी आर संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख थे, लेकिन शांति दवे नहीं थे, क्योंकि एनएस बेंद्रे का डेट ऑफ बर्थ का 1910 टाइम ड्यूरेशन है, इनका 1913 अकॉर्डिंग सेम है। स्तंभ का निर्माण किस कारण के लिए होता है? स्तंभ, स्तंभ का जो यूज करते हैं, लाइक इस तरह का जो स्तंभ होता है, उसका निर्माण किस लिए होता है? उसका निर्माण होता है लेख के लिए, सॉरी लेख नहीं, सीमा निर्धारण के लिए, सीमा निर्धारण के लिए। गांधारा कला शैली किस कला शैली से प्रभावित थी? गांधारा कला, मथुरा और गांधारा दो पार्ट रहे हैं कुषाण काल के, तो इंडो ग्रीक से इन्फ्लुएंस रही थी, इंडो ग्रीक गांधारा कला। अगर गांधारा आर्ट के बारे में आज या पूछा जाए किससे इन्फ्लुएंस रही, तो इंडो ग्रीक। बाघ गुफाएं किस जनपद में स्थित है? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जनपद में स्थित है। कटरा से प्राप्त बैठी हुई बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? देखिए, कटरा टीला के बारे में बात हो रही है, तो कटरा टीला से बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा कुषाण काल में मिली थी। मोनोक्रोमा क्या है? मोनोक्रोमा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन रहा है। ये एक कैनवस होता है, इसमें अलग एक ही कलर से, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा लाइट ब्लू, यहाँ पे डार्क ब्लू, यहाँ पे उससे भी डार्क ब्लू। ये जो है, एक कलर से लाइट टू डार्क टोन को क्रिएट करना मोनोक्रोमा कहलाता है। एक ही रंग के विभिन्न तान, दैट इज कॉल्ड एट मोनोक्रोमा।
द पोटैटो ईटर्स चित्र किसका है? द पोटैटो ईटर्स बहुत फेमस पेंटिंग है आर्टिस्ट वैन गॉग की। वैन गॉग बिलोंग करते हैं पोस्ट इंप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, उत्तर प्रभाववादी कला के मेंबर रहे हैं। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत चित्र श्रृंखला बहुत फेमस रही है आर्टिस्ट। यहाँ पर मेघदूत का रचना पूछा जा रहा है तो रचना है कालिदास का। अब मेघदूत चित्र श्रृंखला किसने किसने बनाया है? तो मेघदूत के लिए हरिहर लाल मेड फेमस है, हरिहर लाल मेड। और कौन बनाया है? असित कुमार हल्दर, असित कुमार हल्दर, शैलेंद्र नाथ डे, शैलेंद्र नाथ डे, असित कुमार हल्दर, शैलेंद्र नाथ डे और शैलेंद्र नाथ डे के ही स्टूडेंट राम गोपाल विजयवर्गीय, राम गोपाल विजयवर्गीय। इन लोगों ने मेघदूत चित्र श्रृंखला बनाई और मेघदूत की रचना कालिदास की है। मेघदूत किस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों वाले रंगों का प्रयोग किया जाता है? ये होता है, पूछा जा रहा है कि किस चित्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों, सपोज हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो मैंने एक्रेलिक कलर्स में ऑयल का भी टचअप दे दिया, तो उसे क्या बोलते हैं? दो तीन कलर्स को यूज करना, दैट इज कॉल्ड एट मिक्स मीडिया। एक ही खेत को, खेत के दो फसलों के उगने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? एक ही खेत के दो फसलों का उगने का प्रमाण प्राप्त होता है कालीबंगा से। इंडियन म्यूजियम कहाँ है? इंडियन म्यूजियम म्यूजियम है कोलकाता में, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। शेरशाह सूरी का मकबरा है, कैसा है शेरशाह सूरी का मकबरा? षष्ठभुजी, पंचभुजी या अष्टभुजी? सो राइट आंसर इज सी, अष्टभुजी मकबरा है। शेरशाह सूरी का मकबरा अष्टभुजी है। इवन अगर पूछा जाए कि प्रथम अष्टभुजी मकबरा किसका है, वो भी याद होना चाहिए, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, तेलंगानी का मकबरा, ये सर्वप्रथम फर्स्ट अष्टभुजी मकबरा है, फर्स्ट अष्टभुजी मकबरा है। और शेरशाह सूरी का भी मकबरा अष्टभुजी रहा है। गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबद आदिल शाह का मकबरा है, ये आदिल शाह बिलोंग करते थे कर्नाटका, ठीक है। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद है और गोल गुंबद के डिजाइनर है याकूब। अगर पूछा जाए कि आर्किटेक्ट ये डिजाइन किसने किया है, तो याकूब है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया? बुलंद दरवाजा बहुत फेमस रही है मुगल एज में, मुगल डायनेस्टी में बनाई गई है। किसने निर्माण करवाया? अकबर के टाइम में, गुजरात पे फतेह पाने के बाद इन्होंने यहाँ पे बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? धातु निर्मित के बारे में बात हो रही है, नर्तकी मीन्स डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल बहुत फेमस है। फर्स्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक में बनाई गई है, मटेरियल है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में बनाई गई है। और साइज क्या है? साइज है 10.5 x 5 x 2.5, साइज भी पूछी गई है, साइज भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त है और कहाँ पे प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है? नेशनल, नेशनल म्यूजियम मीन्स राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में एग्जिबिट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कितने अंशों तक बढ़ाया गया? 5 अंशों तक बढ़ाया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, कोलकाता, दिल्ली या फिर आगरा? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है मुंबई में। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा किस काल की है? देखिए उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर मौर्य भी दिया हुआ है और शुंग भी दिया हुआ है, सो कौन सा राइट हो जाएगा? डी, शुंग काल की है उदयगिरी की गुफा। अगर पूछा जाए कि सिर्फ उदयगिरी की गुफा, अगर सिर्फ उदयगिरी की गुफा पूछा जाए तो वो है गुप्त काल की, गुप्त काल, गुप्त काल की है। और किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है उदयगिरी की गुफा। और उदयगिरी व खंडगिरी की गुफा जो शुंग काल की है वो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित।
विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक टेम्पल कश्मीर, आगरा, कन्याकुमारी या अहमदाबाद? सो राइट आंसर इज सी, कन्याकुमारी में स्थित है। हिनेवा किस देश से संबंधित है? हिनेवा पॉटरी बहुत फेमस रही है, हिनेवा टेराकोटा जापान की, जापनीज। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई आधार से कितनी है? आधार से कितनी है पूछा जा रहा है, आधार से है 176 फीट। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान का नहीं है? राजस्थान का मंदिर विमलशाही मंदिर है, कालका मंदिर है और अर्थोड़ा मंदिर है। साजबहु मंदिर नहीं है, साजबहु मंदिर कहाँ है? तो ये है ग्वालियर में, ग्वालियर में है साजबहु मंदिर। कला एवं स्वदेशी किसकी पुस्तक है? कला एवं स्वदेशी बहुत फेमस बुक है आनंद कैटिंगेश कुमार स्वामी की। फाइन आर्ट्स इन इंडिया एंड शिलोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत फेमस बुक है विंसेंट स्मिथ की। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? मीनिंग ऑफ आर्ट बहुत फेमस बुक है हर्बर्ट रीड की। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट कोकास्का ओकाकुरा की। सो फाइनली आपके आज के क्लास में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आपने लाइक कर लिया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। इवन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।